सेब का सीजन आता है तो हम सेब नहीं खा पाते हैं, अब आम का सीजन आया तो आम नहीं खा पा रहे, अंगूर का सीजन आता है तो अंगूर नहीं खा पाते हैं। क्यों नहीं खा पाते हैं बोला? गरीबी है ना, और तो क्यों नहीं खा पाते है? अच्छा, ये सब गरीबी के लक्षण है। जब कुछ खाएंगे नहीं तो कैसे शरीर रहेगा, ऐसे रहेगा, थक जाएगा शरीर। कापल पाको मैं नीचा को मतलब गरीब आदमी आधा तो वैसे मरा रहता है और आधा फिर वो टेंशन से मर जाता है कि सेब नहीं मिल रहे खाने के, इसलिए 50-60 साल में वो चलो जी बोल बिना सेब खाए निपट जाता है, इसके लिए खाने में रखेंगे जब मर जाता है तब सेब भी आ जाते हैं, तब सेब भी आ जाते हैं। घर वाले लाते चलो यार 4 दाणी सेब की, चलो आधा दाणी इसके नाम की चढ़ा दो, जब मर जाता है तब तो दारू भी चढ़ाते बड़े मंदिर में, तब अगर उसको जिन्ने में खिला देते सेब तो हो सकता है नहीं मरता। तो इसलिए बड़ा कल 1 किलो सेब लाना और बड़ा को खिला देना, ठीक है? वही तो हमने पता है तो मरने के बाद इसको चढ़ा रखा ये तो खाएगा नहीं, खाना हमने ही है, प्रणाम के लिए चढ़ा दो, जिंदे में खिला देते तो शायद कुछ दिन और, पर खिलाएगा कौन जिंदे में, खिलाएगा कौन, निकम्मा होगा तो कौन है? ये चक्कर है गरीबी। पर बड़ा जब आदमी ये बीड़ी पी सकता तो सेब क्यों नहीं खा सकता गरीब आदमी? बीड़ी तो एक ऐसा हो गया ना, एक जरूरी चीज आदत लत हो गई, जरूरी लत हो गई बीड़ी की, चाहे कैसे बोलो बीड़ी चाहिए। अब सेब के लिए तुम बोलो यार कैसे वो 200 रुपये किलो है, कैसे भी वो लाना ही है 200 की तो दिहाड़ी है, तुम 1 किलो सेब ले आए बाकी मुझे